लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अंबेडकर नगर कांग्रेस प्रत्याशी उमेश सिंह निषाद सहित 8 प्रत्याशियों का पर्चा प्रशासन ने खारिज कर दिया है। उनके नामांकन में देखा जाए तो पत्र में काफी कमी थी और इसी वजह से पर्चे को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर उसका पर्चा खारिज किया गया है। जातीय समीकरणों के मुताबिक उम्मीद का पर्चा खारिज होने से सीधे तौर पर बीजेपी नकारती हुई नजर आ रही है। अंबेडकर नगर में प्रत्याशी का नामांकन पर्चा खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद रोष जताया गया है। साथ ही आपको बता दें कि निषाद सहित 8 प्रत्याशियों के पर्चे को खारिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें कमी थी। ये मेरा नॉमिनेशन फार्म है, सारे कॉलम भरे हुए हैं, इनकम भी भरा हुआ है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है मेरी, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। ये सारा फार्म देख लो, चेक कर लो, और इसमें बिल्कुल एकदम तानाशाही है, जैसे कि पूरे देश में तानाशाही चली हुई है। हुआ क्या उसी तरीके से? वो उन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया हमारा, आपका पर्चा हमारा कैंसिल कर दिया, और ये सारा फार्म बिल्कुल पूरा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपका एक कॉलम, जबकि उन्होंने लिख के देना चाहिए मुझे नोटिस, जैसे ये नोटिस दिया था जो इसका मैंने पूरा वो कर दिया, ये नोटिस दिया था इसका मैंने जवाब दे दिया, 22 तारीख को दिया था। तो ये बिल्कुल एकदम तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। कारण क्या बताया प्रशासन ने? प्रशासन ने कोई कारण नहीं बताया, कह रहे जाओ यहाँ से बाहर चले जाओ, मारपीट को उतारू हो गए डीएम, और उन्होंने कहा कि बाहर जाओ यहाँ से, हमने कर दिया ऑर्डर, आपको जो करना करिए।